हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टी एस की टेक्स्ट बुक से बुक टू चैप्टर एट कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अभी हम पढ़ेंगे व्हेन ऑल द फोरपिटेड शेयर्स आर नॉट रीशूड सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो अस सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी मैक्स लिमिटेड इन्वाटेड एप्लीकेशन फॉर टू लैख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ टेन ईज टू बी एश्यूड एट ट्वेंटी परसेंटेज प्रीमियम द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ फ़ाइव ऑन अलाटमेंट रुपीज़ फ़ोर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज़ टू फर्स्ट कॉल रुपीज़ टू एंड फाइनल कॉल रुपी वन कंपनी ने टू लैख इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफ़र किया है टू रुपीज़ प्रीमियम में जो और हर शेयर की कीमत टेन रुपीज़ है एप्लीकेशन पे फाइव रुपीज़ अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला करके फोर रुपीज़ फ़र्स्ट कॉल टू रुपीज़ का और फाइनल कॉल वन रुपी का एप्लीकेशन्स वेर रिसीड फॉर टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज ये ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर हैं टू लैख लेकिन एप्लीकेशन आया है फोर्टी थाउजेंड एक्स्ट्रा सो कंपनी ने तीन कैटेगरी बनाई है जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है टू एप्लीकेंट्स फॉर वन लैख शेयर्स इन फुल जिन्होंने वन लैख शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था फर्स्ट कैटेगरी उनको पूरा वन लाख शेयर मिला एप्लीकेंट्स फॉर एटी थाउजेंडेडी थाउजेंड शेयर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर सिक्सटी थाउजेंड शेयर सो वन लाख प्लस प्लसेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड हो गया टू लाख ,00 और यहां हो गया टू लाख फोर्टी थाउजेंड इनको मिलाएंगे तो एप्लीकेंट्स ऑफ वन हंड्रेड शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी वन एंड एप्लीकेंट्स ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी टू फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी अब फर्स्ट कैटेगरी के वन थाउजेंड शेयर्स एप्लीकेंट और सेकेंड कैटेगरी के ट्वेल्व हंड्रेड एप्लीकेंट्स शेयर एप्लीकेंट्स अलॉटमेंट मनी नहीं दिए दीज शेयर्स वर फोरफीटेड एंड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल और इन्होंने फर्स्ट कॉल का भी मनी जब नहीं दिया तो कंपनी ने इनके शेयर्स फोरफीट कर लिए ये एप्लीकेंट्स हैं अलॉटेड शेयर्स नहीं है वन थाउजेंड अप्लाइड शेयर्स है और यहाँ भी ट्वेल्व हंड्रेड अप्लाइड शेयर्स है होल्डर ऑफ़ ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी थ्री फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब एक और भी हैं जिन्होंने होल्डर ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड मीन्स एलाटेड शेयर्स इनके पास ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स है और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया है और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया है एंड दीज शेयर्स वेर फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल अब कंपनी ने तीन अलग अलग जगह से शेयर फोरफीट कर लिए उनमें से थर्टीन हंड्रेड शेयर्स जिसमें से वन थाउजेंड शेयर फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं और थ्री हंड्रेड शेयर सेकेंड कैटेगरी वाले हैं वेर इश्यूड एट रुपीज़ एट पर शेयर एज़ फुल्ली पेड अप को कंपनी ने एट रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रीशू कर दिया और मान लिया कि ये फुल्ली पेड अप है मतलब कंपनी ने टू रुपीज़ डिस्काउंट का दे दिया और थर्ड कैटेगरी वालों का जो फोरफीट हुआ था उसको कंपनी ने रीइश्यू ही नहीं किया है इन ये जो है आखिरी वाला 1200 शेयर्स थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते थे इनके शेयर्स को कंपनी ने फोरफीट तो किया है लेकिन रीइश्यू नहीं किया है जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट अब हमें तीनों चीज़ बनाना है जर्नल एंट्री भी करना है कैश बुक भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है सो क्वाइट अ लेंदी सोल्यूशन सो लेट अट सो सोल्यूशन नाइनटी इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड कंपनी ने टू लैख इक्विटी शेयर्स ऑफर किए थे और कंपनी को टू लैख फोर्टी थाउजेंड एप्लीकेशन आ गए सो कैश बुक बनाने बोला तो बैंक की एंट्री सबसे पहले कैश बुक में होगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू लैख फोर्टी थाउजेंड एप्लीकेशन आ गए और एप्लीकेशन मनी है रुपीज फाइव पर शेयर ट्वेल्व लैख रुपीस अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे वो जर्नल एंट्री में होगा सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल में टू लाख शेयर का ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो सकेगा सो टेन लाख रुपीस कैपिटल में जाएगा आउट ऑफ ट्वेल्व लाख, और बाकी जो रिमेनिंग है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जाएगा क्योंकि कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है इसलिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड नहीं करती है बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सो टू लैख शेयर पर ही कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी फोर एट लैख और इसमें से टू रुपीस प्रीमियम का है और टू रुपीस कैपिटल का है सो फोर लैख विल गो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग फोर लैख विल गो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बींग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू ड्यू अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करना था तब कंपनी को पता चला कि फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी में से कुछ शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हो रहा सो फर्स्ट कैटेगरी में क्या था फर्स्ट कैटेगरी था जहां वन लाख शेयर अप्लाइड हुए थे वहाँ वन लाख शेयर्स कंपनी ने दिए थे मतलब यहाँ कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं था और इसी कैटेगरी का एक शेयर होल्डर या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जिनके पास वन थाउजेंड शेयर्स थे वन थाउजेंड शेयर्स पर फोर रुपीज़ अलाटमेंट का नहीं मिल रहा है मतलब ये पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है और इनका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है जो इस फोर में एडजस्ट किया जाए सो ये एरियर्स है लेकिन जब हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां 80,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे और कंपनी ने अलॉट किए थे 60,000 शेयर्स सो इसका मतलब यह है कि जब फोर शेयर्स अप्लाई किए गए तो थ्री शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए यहाँ पर कंपनी ने क्वेश्चन uh, में लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेंट्स ऑफ ट्वेल्व शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी टू फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी मतलब एप्लीकेंट्स ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स अप्लाई ट्वेल्व हंड्रेड किए हैं तो हमें ये पता लगाना है कि अलॉट कितना हुआ होगा अब फोर में फोर रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वेल्व को तो थ्री रिप्रेजेंट करेगा कितने को सो so फोर को ट्वेल्व हंड्रेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फोर में अगर आप थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड उसी तरीके से आप यहाँ थ्री में थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई दोनों यहाँ भी थ्री हंड्रेड यहाँ भी थ्री हंड्रेड तो यहाँ आपको पता चल गया कि नाइन हंड्रेड शेयर्स उसे रिसीव हुए होंगे इस ग्रुप को जिसने ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स अप्लाई किया है उन्हें नाइन हंड्रेड शेयर्स अलॉट हुए हैं और इन्होंने एप्लीकेशन मनी रुपीज़ फ़ाइव के हिसाब से सिक्स थाउजेंड रुपीज़ कंपनी को फॉरवर्ड किया है एप्लीकेशन मनी और इनको शेयर्स में एडजस्ट हुआ है फोर्टी फाइव हंड्रेड मतलब फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन है एक्सेस एप्लीकेशन मनी है अब ऑन अलॉटमेंट ऑन अलॉटमेंट इनके पास है 900 शेयर्स तो कंपनी ने 900 शेयर्स पर टू रुपीज़ कैपिटल का मतलब 1800 हंड्रेड और इन्हीं 900 शेयर्स पर टू रुपीज़ प्रीमियम का 1800 हंड्रेड कुल मिला करके थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज अलॉटमेंट मनी ड्यू किया तो सीधी सी बात है कि इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देंगे फिफ्टीन हंड्रेड लेस कर देंगे तो एरियर्स आ जाएगा ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपीज का एरियर्स है तो फर्स्ट कैटेगरी का एरियर्स फोर थाउजेंड है और सेकेंड कैटेगरी से एरियर्स 2100 है इसमें भी अगर आप डिटेल समझें तो यहाँ जो 1800 है ये कैपिटल का है कैपिटल का है और ये प्रीमियम का है तो ये 1500 पहले कैपिटल के कैपिटल से एडजस्ट होगा इसका मतलब ये है कि कैपिटल का एरियर्स 300 है कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों का एरियर्स है कैपिटल का एरियर्स 300 है कैसे 1800 हंड्रेड कैपिटल का ड्यू था उसमें एक्सेस एप्लीकेशन बनी पहले इसी में एडजस्ट होता है तो कैपिटल का 300 हंड्रेड एरियर्स है और प्रीमियम का पूरा का पूरा 1800 हंड्रेड एरियर्स है दोनों मिला के ट्वेंटी वन हंड्रेड एरियर्स हैं सो इतने रुपए कम मिलेंगे कंपनी को कैशबुक में हमें अलॉटमेंट के समय चाहिए था एट लाख रुपीज़ लेकिन कंपनी के पास पहले से ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी का टू लाख रुपीज़ है मतलब कंपनी को अब कैशबुक में रिसीव करना चाहिए सिक्स लाख लेकिन यहाँ पर देखें तो टोटल एरियर्स फोर थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड टू थाउजेंड वन हंड्रेड मतलब हो गया सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज़ और कम मिलेगा सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कंपनी को सिक्स लाख रुपीस रिसीव करना चाहिए था आफ्टर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट लेकिन सिक्सटी वन हंड्रेड रुपीज़ और हमको नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कंपनी को मिलेगा फाइव लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड लेकिन एरियर्स के बावजूद भी कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट नहीं किया और फर्स्ट कॉल ड्यू किया सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे के पूरे टू लाख शेयर पर कंपनी ने टू रुपीज फर्स्ट कॉल का ड्यू किया मतलब फोर लाख रुपीज ड्यू बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू अब अमाउंट रिसीव करेंगे लेकिन उससे पहले एरियर्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि तीनों कैटेगरी में अब एरियर्स अपीयर हो रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी का भी अमाउंट नहीं मिल रहा है सेकेंड कैटेगरी में भी कुछ शेयर्स पर नहीं मिल रहा है और थर्ड कैटेगरी में भी कुछ शेयर्स पर नहीं मिल रहा सो एरियर्स अमाउंट है फर्स्ट so, कैटेगरी वालों के पास वन थाउजेंड शेयर था इन्होंने फर्स्ट कॉल का टू रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से टू थाउजेंड रुपीज़ नहीं दिया अब सेकेंड कैटेगरी वालों के पास था नाइन हंड्रेड शेयर्स है तो इन्होंने एटीन हंड्रेड रुपीज़ नहीं दिया अब थर्ड कैटेगरी वाले जो हैं जिनके पास ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स हैं होल्डर थर्ड कैटेगरी ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स हैं उन्होंने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया मतलब ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ नहीं दिया मतलब सिक्सटी टू हंड्रेड रुपीज़ का एरियर्स हो गया क्योंकि अब कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बचा है इसलिए फोर लाख रुपीज़ तो कंपनी ने ड्यू कर दिया है लेकिन सिक्सटी टू हंड्रेड रुपीज़ कंपनी को नहीं मिलेगा सो so, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में क्योंकि सारे कैश ट्रांजेक्शन्स या बैंक ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड करना है सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कंपनी ने फोर लाख रुपीस ड्यू किया था और एरियर्स आ गया 6200 का सो so, कंपनी को रिसीव होगा थ्री लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड कंपनी ने उन शेयर्स को फोरफीट कर दिया जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करते थे सो so, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी फोरफीटेड इक्विटी शेयर्स कंपनी वन थाउजेंड शेयर्स फर्स्ट कैटेगरी का प्लस 900 हंड्रेड शेयर्स सेकेंड कैटेगरी का फोरफीट कर रही है और अब तक कंपनी ने लास्ट कॉल को छोड़ करके लास्ट कॉल जो कि वन रुपी का था बाकी पैसा ऑल अप कर लिया है मतलब नाइन रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे इतने अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में तो दोनों ही शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिला है मतलब नाइनटीन हंड्रेड शेयर्स पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टू रुपीज़ के हिसाब से थर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट के समय में फोर थाउजेंड फर्स्ट कैटेगरी का प्लस ट्वेंटी वन हंड्रेड सेकेंड कैटेगरी का नहीं मिला आफ्टर एडजस्टमेंट ये ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपीज़ जो है वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन बनी है मतलब सिक्सटी वन हंड्रेड रुपीज़ का एरियर्स था अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में इन्हीं दो कैटेगरीज से ये फ़र्स्ट कैटेगरी का है और ये सेकेंड कैटेगरी का है नंबर ऑफ़ शेयर्स पर टू थाउजेंड फर्स्ट कैटेगरी का नहीं मिला और एटीन हंड्रेड सेकेंड कैटेगरी से नहीं मिला मतलब थर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ नहीं मिला सो so, यहाँ पर जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो है इलेवन थाउजेंड रुपीज़ अब ये इलेवन थाउजेंड रुपीज़ ये फोरफीटेड शेयर्स पर जितने अमाउंट मिल चुके हैं वो है जैसे कि फ़र्स्ट कैटेगरी के, के बारे में अगर हम देखें तो वन थाउजेंड शेयर्स था और इसने एप्लीकेशन मनी फाइव रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अमाउंट भेजा मतलब फ़ाइव थाउजेंड रुपीज़ जो एप्लीकेशन में दिया था वही अमाउंट फोरफीट हुआ है और सेकेंड कैटेगरी में ए, इसने अप्लाई किया था ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स के लिए और फ़ाइव रुपीज़ के हिसाब से इसने सिक्स थाउजेंड रुपीज़ कंपनी को दिया है तो टोटल इज़ एलेवन थाउजेंड और यही फोर फीटेड अमाउंट है अब यहाँ पर हम ट्वेल्व हंड्रेड शेयर लिए हैं लेकिन इनको अलॉट हुआ है नाइन हंड्रेड लेकिन इसने एप्लीकेशन मनी तो ट्वेल्व हंड्रेड के लिए भेजा था इसलिए इतना ही अमाउंट इसका फोर फीट होगा अब यहाँ अगर फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करें तो वन एक शेयर पर फर्स्ट कैटेगरी का फाइव थाउजेंड रुपीज़ फ़ोर फीट हुआ है और फाइव और वन थाउजेंड शेयर के लिए फोर फीट हुआ है मतलब फाइव रुपीस पर शेयर फोर फीट की है फर्स्ट कैटेगरी का और सेकेंड कैटेगरी का अगर हम देखते हैं तो सिक्स थाउजेंड रुपीज़ फोर फीट हुआ है लेकिन नाइन हंड्रेड शेयर के लिए फोर फीट हुआ है मतलब यहाँ सिक्स पॉइंट सिक्स 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 रुपीज़ पर शेयर फोर फीट हुआ है अब कंपनी फाइनल कॉल ड्यू करेगी सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी के पास टू लाख शेयर्स थे उसमें से 1900 हंड्रेड शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट कर लिए हैं और वन रुपी पर शेयर के हिसाब से कंपनी फाइनल कॉल ड्यू कर रही है सो so, अमाउंट हो जाएगा वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड शेयर्स पर वन वन रुपी के हिसाब से वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ट्यू अब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी को मिलना चाहिए था वन लैख नाइंटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड और उसमें से 1200 हंड्रेड शेयर पर वन रुपी के हिसाब से ट्वेल्व हंड्रेड नहीं मिल रहा है सो कंपनी विल रिसीव वन लैक नाइनटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब इन शेयर्स को भी कंपनी फोरफीट कर रही है सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू फोर फीटेड शेयर अकाउंट यहाँ ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर कंपनी ने फर्स्ट कॉल में टू रुपीज मांगा था इसलिए ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज एरियर्स है और यहाँ ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर वन रुपी था इसलिए ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज यहां फाइनल कॉल का एरियर्स है और कैपिटल अकाउंट 1200 शेयर्स पर पूरा का पूरा टेन रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है इसलिए ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ से ये क्लोज़ हो जाएगा डेबिट हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा या कैपिटल अकाउंट कैंसिल हो जाएगा लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि इन शेयर्स पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है जब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका होता है तो फोरफीचर के समय में उसका यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होता उसका ट्रीटमेंट कंपनी अलग से कहीं और करती है लेकिन फोरफीचर जो अमाउंट है इसमें सिर्फ कैपिटल का ही अमाउंट कंपनी सीज़ करती है सो so, बाकी जो बच गया ये कितना हो गया थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस कर देंगे ट्वेल्व थाउजेंड में से एटी फोर हंड्रेड फोरफीट कर लिया कंपनी ने मतलब थ्री रूपीज पर शेयर नहीं मिला है सो ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर सेवन रुपीज मिला है सो ट्वेल्व हंड्रेड इंटू सेवन एटी फोर हंड्रेड यहाँ ये समझिए कि कंपनी ने पर शेयर सेवन हंड्रेड रुपीज फोर फीट किया सेवन रुपीज फोर फीट किया बींग ट्वेल्व हंड्रेड इक्विटी शेयर्स फोर फीटेड अब फॉर फीचर के बाद कंपनी ने फर्स्ट कैटेगरी जो फोरफीट किया था उसमें से वन थाउजेंड और सेकेंड कैटेगरी में से थ्री हंड्रेड शेयर्स को री कर दिया एट रुपीज़ पर शेयर सो so, बैंक में एट रुपीज़ पर शेयर आ जाएगा लेकिन टू रुपीज़ कंपनी रीइू के समय डिस्काउंट दे रही है तो वो डिस्काउंट की एंट्री हमें यहीं पर करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है सो so, फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने 1000 शेयर्स फर्स्ट कैटेगरी के प्लस 300 शेयर्स सेकेंड कैटेगरी के रीशू कर दिए और टू रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया मतलब 1300 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का कंपनी ने डिस्काउंट दिया बींग डिस्काउंट ऑन रीशू डिस्काउंट ऑन रिइ्यू ऑफ थर्टीन हंड्रेड रिइ्यू में जो अमाउंट मिला उसे यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी ने थर्टीन हंड्रेड शेयर्स रीइश्यू किए हैं और एट रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी के बैंक अकाउंट में टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ और जमा हो गया अब कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन नहीं बचा है इसलिए हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे इन सबको ऐड करेंगे ग्रैंड टोटल आएगा ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड यही बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड अब अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे सो फोर फीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अब यहाँ हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना है फर्स्ट कैटेगरी वालों का कंपनी ने 1000 शेयर फोरफीट किया था और उसमें से पूरा का पूरा 500 हंड्रेड फाइव थाउजेंड रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट कर लिया है और ये पूरा रीश्यू भी हुआ है सो तो इस पूरे 5000 को हम यूज़ करेंगे लेकिन सेकेंड कैटेगरी में कंपनी ने 900 शेयर्स फ़ोरफीट किए हैं और सिक्स थाउजेंड रुपीज़ फोरफीट किए हैं नाइन हंड्रेड शेयर्स पर कंपनी ने सिक्स हंड्रेड रुपीज़ फॉरफिट किए हैं लेकिन ये पूरा का पूरा शेयर रीइ नहीं हो रहा है इसमें से थ्री हंड्रेड शेयर्स ही रीइू हो रहे हैं थ्री हंड्रेड शेयर रीइू हो रहे हैं तो यहाँ पर आप सोचिए कि अगर नाइन हंड्रेड शेयर्स का सिक्स थाउजेंड रुपीज़ है तो थ्री हंड्रेड शेयर मतलब वन थर्ड का इसका भी वन थर्ड कर देंगे तो ये आ जाएगा टू थाउजेंड रुपीज़ सो तो इसमें से सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज़ हम लेंगे रीइू के समय डिस्काउंट देने के लिए तो टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना हो गया सेवन थाउजेंड रुपीज़ अवेलेबल हो गया डिस्काउंट देने का फिर से यहाँ ध्यान दीजिए सेकेंड कैटेगरी का नाइन हंड्रेड शेयर्स कंपनी ने फोरफीट किया है और अमाउंट जो है वो सिक्स थाउजेंड रुपीज़ है नाइन हंड्रेड शेयर्स पर सिक्स थाउजेंड रुपीज़ अगर फोरफीट हुए हैं तो रीइश्यूड शेयर्स हैं सेकेंड कैटेगरी के थ्री हंड्रेड शेयर्स जो कि वन थर्ड है इसलिए अमाउंट का भी वन थर्ड कर देंगे तो थ्री हंड्रेड शेयर का हिस्सा बनता है इसमें से शेयर बनता है सिक्स थाउजेंड का वन थर्ड मतलब टू थाउजेंड सो फर्स्ट कैटेगरी का तो पूरा रीइू हो, हो रहा है इसलिए पूरा फाइव थाउजेंड लेना है और सेकेंड कैटेगरी का वन थर्ड लेना है क्योंकि वन थर्ड शेयर ही रीइू हो रहे हैं सो इसका आएगा टू थाउजेंड रुपीज़ दोनों को मिलाएंगे तो सेवन थाउजेंड रुपीज़ तक कंपनी डिस्काउंट दे सकती थी और इन्हीं शेयर को जब कंपनी ने री इशू किया तो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ डिस्काउंट दिया ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज डिस्काउंट दिया तो बच गया कितना फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड बच गया जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड आप इसको पर शेयर के हिसाब से भी बना सकते हैं पर शेयर भी आसान है जैसे फर्स्ट कैटेगरी में कंपनी ने फाइव रुपीज पर शेयर फोरफीट किया था और सेकेंड फाइव रुपीज के हिसाब से फाइव थाउजेंड आ गया और सेकेंड कैटेगरी में कंपनी ने सिक्स रुपीज सिक्सटी सिक्स पैसा के हिसाब से फोरफीट किया था तो उसमें थ्री हंड्रेड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा टू थाउजेंड रुपीज सो इस तरीके से नाउ दिस वे इट इज ईजियर अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट नोट रहेगा शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता ऑथराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए इसे ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे सेकेंड होता है इश्यूड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का मतलब है ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किया तो पब्लिक को ऑफर किया कंपनी ने टू लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज टेन ईच सो ये हो गया ट्वेंटी लाख। ,00 इसे भी हम ब्लॉक कर देंगे और थर्ड आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक ने कंपनी के ऑफर को खरीदा मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स कंपनी के खरीदे सो यहाँ हम लिखेंगे वन लैक नाइन्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ टेन ईच ये हो जाएगा नाइनटीन लैख एटी टू थाउजेंड अब ये वन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड शेयर्स कैसे आए यहाँ पर इसका डिटेल ये है कि टू लैख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे फिर फर्स्ट कैटेगरी का वन थाउजेंड शेयर कंपनी ने फोरफीट कर लिया फिर पूरा का पूरा वन थाउजेंड री इश्यू कर लिया सो so ये नलीफाई हो गया फिर सेकेंड कैटेगरी में कंपनी ने नाइन हंड्रेड शेयर्स फोरफीट किया और उसमें से 300 शेयर्स कंपनी ने रीइू कर दिया और अब थर्ड कैटेगरी भी है हमारे पास थर्ड कैटेगरी से कंपनी ने 1200 शेयर्स फोरफीट किए और कोई भी शेयर रीइू नहीं किया तो इन सब को अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा वन लैख नाइन्टी इक्विटी शेयर्स अब इस सब्सक्राइब कैपिटल में ही ऐड करेंगे फोरफीटेड शेयर फोरफिटेड शेयर अमाउंट फोरफिटेड शेयर में है कंपनी कंपनी ने जो शेयर फोरफीट किया है लेकिन उसे रीइू नहीं किया है सो so, वो सेकेंड uh, कैटेगरी का है सेकेंड कैटेगरी के 600 शेयर्स कंपनी ने रीइू नहीं किए हैं और उसमें फोरफिटेड अमाउंट है फोर थाउजेंड और थर्ड कैटेगरी का कंपनी ने ट्वेल्व शेयर्स रीइू नहीं किए हैं और इनका फोरफिटेड अमाउंट है एट इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड अब इन दोनों ये अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा इन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड यही वो अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में लिखना है अब सेकेंड नोट्स टू अकाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में फर्स्ट है कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व में फोर्टी फोर हंड्रेड ट्रांसफर किए हैं और देन है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है थ्री लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड वो ऐसे कि टू लाख रुपीस कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम के मांगे थे लेकिन उसमें से फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी में थर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ कंपनी को नहीं मिले ये फर्स्ट कैटेगरी का और सेकेंड कैटेगरी का है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड मतलब नाइनटीन हंड्रेड शेयर्स पर टू रुपीज़ के हिसाब से थर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कंपनी ने कैंसिल किया था फोर फीचर के समय अब थर्ड बनेगा मतलब यही अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में लिखना है इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे फोर लैख सिक्स हंड्रेड अब थर्ड नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे थर्ड नोट्स टू अकाउंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा कैश एट बैंक कैश बुक का जो ग्रैंड टोटल है वो लिखेंगे सो so, अमाउंट है ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सो so, इन तीनों नोट्स से कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा सो so, कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि वर्टिकल बनता है पहले सारे लाइबिलिटीज़ का लिस्ट उसका ग्रैंड टोटल उसके नीचे सारे एसेट्स का लिस्ट फिर उसका भी ग्रैंड टोटल अब नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट में हमने शेयर कैपिटल बनाया है जो कि नाइनटीन लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड का है फिर नोट्स टू अकाउंट टू में हमने रिजर्व एंड सरप्लस बनाया है जो फोर लैख सिक्स हंड्रेड है इन दोनों का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ट्वेंटी थ्री लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड तो ये लाइबिलिटीज़ हो गया अब एसेट्स में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कैश एट बैंक हमने कैश बुक में बनाया है वो है ट्वेंटी थ्री लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सो इस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों इक्वल है सो so ये हो गया बैलेंस शीट आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेरी वेल If you are having any doubt or any suggestion, you can write it in the comment section. Please like, subscribe, and share the channel. Thank you so much for watching.